डिपेंड करेगा कि हेमा मालिनी जी ने कितना काम किया है मथुरा पे, उस हिसाब से लोग वोट डालेंगे। जहां तस्वीर की बात आती है, इंदिरा जी का भी एक बिल्कुल ऐसा ही तस्वीर है, वो पूरा वीट का वो लेते हुए, तो तस्वीर पे मत जाइए। महत्वपूर्ण होता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आपने जमीन पे कितना काम किया है। तो जहां क्या ट्रैक रिकॉर्ड समझते हैं आप हेमा मालिनी का? नहीं तो वो तो 23 तारीख को पता चलेगा ना कि कौन किसके तरफ है। वो मैं उस पे अभी क्यों आकलन करूंगा? आप दूसरी, आप वो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आएगी। 23 को पता चल जाएगा, 23 तारीख को पता चल गया। शांति बनाए रखिए, के मिश्रा अनसिविलाइज्ड पर्सन मैं नहीं रह सकता। आप किस लिए बैठे हो? शांति बनाए रखिए, के मिश्रा अनसिविलाइज्ड पर्सन मैं नहीं रह सकता। आप किस लिए बैठे हो? शांति बनाए रखिए, के मिश्रा दिस इज नॉट फेयर। नहीं, ये दोनों तरफ से आप बैठ जाइए, इसके बताए बैठ जाइए। उनको बात करनी समझ नहीं आ रही, बात कैसे करनी है? अभी देखो अभी गुस्सा गुस्सा कितना उनके पास, वो तो टेबल पे बैठे रहो। यू डोंट हैव द लॉजिक, प्लीज आप शांति बनाए रखिए सर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं सभी यहाँ पर जो गेस्ट बने हुए उनसे अपील करूंगी कि अपनी मर्यादा आप लोग बनाए रखिए। चिल्लाकर अपनी बात रखने से आपकी बात सच्ची या सिद्ध नहीं हो जाएगी। मौका सबको मिल रहा है, मैं एक एक करके नाम लेकर सबके पास आ रही हूँ। तो नमस्कार, सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बता दें, दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक का मामला आया है सामने। यहां पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर के रहने वाले शक्ति भार्गव नाम के एक शख्स की ओर से जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव की भी मौजूदगी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस शख्स ने जूता तब फेंका जब जीवीएल नरसिम्हा भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी का टिकट दिए जाने को लेकर चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। और इसी दौरान इस शख्स की ओर से देखिए किस तरह से जूता फेंका गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को पकड़ा। इस दौरान उसे मारा पीटा भी गया। फिलहाल पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि शक्ति भार्गव नाम का यह शख्स पेशे से डॉक्टर है और सर्जन भी है। इनकी मनोदशा फिलहाल ठीक नहीं बताई जा रही, मामले की जांच चल रही है। आरोपी ने घटना के पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें नमो 2014 में कहा गया था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब नमो 2019 में इस पर चुप है, यानी कि नाराजगी सीधे तौर पर फेसबुक पोस्ट पर अगर इनकी नजर डालें तो देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हालांकि अभी ये जूता क्यों फेंका गया इनकी ओर से, ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कयास कई लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं कई जताई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल पूछताछ इनसे की जा रही है पुलिस की ओर से, और पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या नाराजगी इसके पीछे का कारण था, या फिर लाइमलाइट में ये आना चाहते थे, या फिर किसी के कहने पर राजनीतिक साजिश ये थी। ये फिलहाल तस्वीर आप फेसबुक पोस्ट की देख रहे हैं। इस शख्स जिसका नाम शक्ति भार्गव कहा जा रहा है, जिसकी ओर से जीवेल नरसिम्हा पर यह हमला किया गया, जूता फेंका गया, उनकी ये फेसबुक पोस्ट है जो कि हाल ही में की गई है, दो दिन पहले 16 अप्रैल को। कई लोगों को टैग भी किया इस फेसबुक पोस्ट के हिसाब से, ये विसल ब्लोअर अपने आप को बता रहे हैं, डॉक्टर भी इन्हें कहा जा रहा है। और तस्वीर देखिए नाराजगी किस तरह से फेसबुक पोस्ट के जरिए इनकी ओर से जाहिर की गई। अभी अभी घटना घटी है कार्यालय में, पहली बार ऐसी घटना घटी है। वो कहीं कोई बावला था या कोई मेंटली कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिक है, कुछ पता नहीं है। अभी पुलिस को बुलाया है और हम जांच करेंगे। डिटेल है सर? नहीं, कोई डिटेल्स अंदर नहीं। कैसे आया? नहीं, अंदर तो सबके लिए स्वागतशीलता, हमने कार्यालय में कभी कार्यकर्ताओं को रोका ही नहीं है, कभी जनता को नहीं रोका। आपने भी देखा होगा यहाँ पर कोई ऐसे बैरिकेड्स तो है नहीं कि भी कोई आ नहीं सकता है। सुरक्षा एक चिंता तो है सर जूते की? हाँ, निश्चित रूप से हम इसको रिव्यू करेंगे और तय करेंगे कि भी इसको कैसे रोका जाए, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे।
तो रिएक्शन आना इस पर शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए सुरक्षा में भी चूक से जुड़ा है ये मामला, तो जांच का भी आदेश दिया गया है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर गलती और कमी कहां, क्या कुछ रही और क्यों आखिर इन शख्स की ओर से इस तरह से अंजाम इस घटना को दिया गया। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ए के मिश्रा मेरे साथ हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रेणु भाटिया हैं मेरे साथ, कांग्रेस से चंद्रमोहन है, स्वागत है आप सभी का, समाजवादी पार्टी से अशोक शाह है हमारे साथ, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत सारा समय पर। ए के मिश्रा, सुबह सवेरे से आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे 12 राज्यों की 95 सीटों पर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से ये खबर आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर जूता फेंका जाता है, किस तरीके से देखते हैं, आपका पहला कमेंट इस पर। देखिए पहला तो ये है, मैं आपको बताऊं हजारों साल की हमारी परंपरा ऐसी नहीं रही है, तो मैं इसका खंडन करता हूं, ना कानून जो है इजाजत देता है ना हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कार देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी देखिए बीजेपी के नेता बोल रहे थे स्किज़ोफ्रेनिक है, कोई मानसिक बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये बोलने के पहले हमने भी पिक्चरें देखी हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान हमें है, सारा पेटेंट जो है ज्ञान का मोनोपोली इन नेताओं के पास नहीं होता है। ये देखिए है क्या, आप देखिए मैम एक चीज देखिए, हमारे भारत के लोगों की 120 करोड़ जनता की, 1-2% छोड़ दीजिए जो रिच है सुपर रिच है, आज हालत क्या हो गई है। हाँ हालत ये हो गई, कभी गरीबी हमको जूता मार के बीच चौराहे पे चली जाती है, मैं 120 करोड़ जनता की, कभी अशिक्षा हमें जो है जूता मार के चली जाती है, कभी कोई रोग जिसमें घर का घर साफ हो जाता है हमें जूता मार के चली जाती है, सब कुछ होते हुए भी 120 करोड़ जनता को जो हर दिन हर पल 70 साल से कभी अंग्रेजों ने कभी किसने जूता मार रही है वो जूता नहीं दिखाई देता है, और एक जूता नेताजी को पड़ा और एकदम तहलका मच गया, पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया, पुलिस आ गई, इनके लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। अरे महानता तो तब मैं मानता बीजेपी को या किसी भी नेता को, जब आप पंडित मदन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह आपने व्यवहार किया होता, ठीक है उसने जूता मारा, कम से कम आप पॉजिटिव वे में उसको बैठा के पूछ तो सकते थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हमसे क्या गलती हो गई है, इसके बाद आप चाहते तो पुलिस को देते, आपने तो उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे होता ना तो मैं तुरंत बैठा था, मैं बोलता कि जरूर आपके मन में कोई जबरदस्त जो है ऐसी चीज चल रही है, आप असफल हैं या हमसे खुश नहीं है, पुलिस को देना है तो कभी भी पुलिस को दे सकते हो ना, बीजेपी ऑफिस से बाहर नहीं जाता। ये मैं बता रहा हूं कि हृदय में, नेताओं के हृदय में संवेदनहीनता कितनी है इस चीज का। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब वो बोलते हैं ना तो उनका हृदय वाकई में लगता है कितना विशाल है, लेकिन यही चीज देखिए जब अपने गर्दन पे तलवार लटकी ना तो पूरे बीजेपी के किसी भी एक नेता ने ये नहीं बोला कि भाई कम से कम उस आदमी से पूछ तो लिया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको बेहतरीन चिकित्सा दी जाएगी, एक नेता को छींक आ जाती है तो फोन चला जाता है। रेणु भाटिया मेरे साथ जुड़ी है, एके मिश्रा जी, सलूशन ये है प्रॉब्लम का। रेणु जी, एके मिश्रा कह रहे हैं कि अगर वो नरसिम्हा राव की जगह होते, जीवल नरसिम्हा राव की जगह, तो उस शख्स को बैठाते, उससे पूछते कि आखिर क्या नाराजगी, आपको क्या लगता है इस जूता कांड के पीछे क्या वजह रही होगी। अंजलि, मुझे नहीं पता कि जब मिश्रा जी उस समय नरसिम्हा जी की जगह होते तो कैसा रिएक्ट करते, आज इस समय ये बड़े हैं, विशेषज्ञ हैं, तो कुछ भी बात कर सकते हैं रिएक्शन की। इस प्रॉब्लम को मैनेज करने का एक तरीका ये भी है ना, अगर हम आदर्शों की बात करें, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, ऐसे मोमेंट पे, ऐसे मोमेंट पे आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं। नहीं बिल्कुल आदर्शवादिता से रखती हूँ, आदर्शवादिता से रखती हूँ, इस प्रकार से नहीं रखती कि अगर किसी के मन में कोई बुरी बात है या किसी के मन में कोई खेल है या नाराजगी है तो वो जूता पहनाए। आपसे किसी को नाराजगी हो सकती है, यहाँ पर बैठे किसी को आपके साथ नाराजगी हो सकती है, किसी को लग सकता है कि आप पर्टिकुलर किसी की पार्शियलिटी करते हैं, लग सकता है किसी को, परंतु आपके ऊपर जूता फेंकना एक सभ्यता नहीं है। आपके चलाने से वो सभ्यता नहीं बनेगी मिश्रा जी, आपके चलाने से वो सभ्यता तो नहीं बनेगी ना। यहाँ पर बैठे भी हम चारों में से किसी को आपसे नाराजगी हो सकती है, परंतु आपके ऊपर जूता फेंकना कहा सभ्यता है। इसीलिए यदि
यदि वो पत्रकारों की श्रृंखला में आए थे, क्योंकि या वो कार्यकर्ता हो सकते हैं या पत्रकार हो सकते हैं, यही दो बातें हो आपके बीजेपी कार्यकर्ता भी हो, अगर हो सकता है वो आरएसएस के कार्यकर्ता, वो बात सामने आ जाएगी। तो ये सभ्यता कोई भी नहीं मानेगा। आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं, किसके संदर्भ में कह रहे हैं। सवाल मैंने आपसे पूछा है, आप जवाब को दे नहीं पा रहे हैं। कोई भी इस तरह की सभ्यता नहीं पसंद करेगा। एक निर्वाचित विधायक को जूता मारा, डीएमएसपी के ऊपर पार्टी ने एक्शन किया, तो वो पार्टी के अंदर का मामला, पार्टी ने एक्शन किया, पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन किया, उसके साथ उनके साथ और इस तरह के कार्यक्रमों में जब व्यवहार में फर्क है, आपकी पार्टी ने वहां पे मैडम जो व्यवहार किया इस व्यक्ति के साथ, आप बात को बदल रहे हैं, आप बात को बदल रहे हैं। अंजलि वहां, अंजलि मैं केवल अंजलि दोहरा मापदंड ये दोहरा मापदंड आप मत अपना, ये दोहरा मापदंड नहीं। वहां पर पत्रकारों की पत्रकार वार्ता हो रही थी, यदि दो पत्रकार आपस में इस तरह से भिड़े होते तो उसे कहा जाता है कि आपसी बात, ये तो किसी और के लिए जिसने भी इस तरह का व्यवहार किया, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं, व्यवहार किया तो उस बात की सुरक्षा की दृष्टि से, और ये देखना बहुत जरूरी है को सही बता रही है, ये देखना बहुत जरूरी है, तो गलत बता रही है, बिल्कुल नहीं। मैं बात जाने दीजिए, स्पष्ट बात कर रही हूँ कि इस तरह का व्यवहार इस तरह मेरे साथ। चंद्रमोहन जी, जब हमला हुआ जीवीएल नरसिम्हा पर, तो खुद जैसे ही उन पर अटैक होता है वो सीधे कहते हैं कि ये कांग्रेस इंस्पायर्ड है। देखिए मैम, बेसिकली क्या है, अभी मैं डिबेट को सुन रहा था, एके मिश्रा जी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, उनकी बातें भी सुनी और मैंने अपनी बहन रंजीत की बातें भी सुनी, उसमें तीन चार बातें निकल के, एक आदर्शवादिता और एक सभ्यता। देखिए आदर्शवादिता और सभ्यता तो बीजेपी से कोसों दूर है, उसका प्रमाण यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री डीएसटो का जब वो होता है प्रोग्राम और उसके ऊपर उसको नष्ट करते हैं, उसको बोला जाना चाहिए। देखिए मिश्रा जी, आप बात करने के बाद बोलिए, उसको कहना चाहिए नष्ट कर देना चाहिए, और वो कह देते हैं हमने मार गिराया। ऐसे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं ठोक दो, तो फिर बीजेपी के लोग अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उनका वर्कर या कोई आम आदमी भी अगर जूता मार देगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा, और अगर उनका एमपी किसी एमएलए पे जूता मारेगा तो उसको टिकट मिलेगी और उसको प्रमोशन मिलेगी, ये तो सभ्यता है। और दूसरी यही बात, इस बातों को आगे लेके जाने की, तो ये इनके कल्चर में बसा हुआ है। जो लोग नथुराम गोडसे की को लेके, आइडियोलॉजी को लेके चलते हो और महात्मा गांधी की फोटो और चश्मा सिर्फ स्वच्छंदता के ऊपर इस्तेमाल करते हो और नथुराम गोडसे का मंदिर बनाते हो, नथुराम गोडसे की पूजा करते हो और महात्मा गांधी को सिर्फ अपने सामने रखते हो और सरदार पटेल और महात्मा गांधी का विकेंद्रीकरण पैदा करते हो, तो ये देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि जो महान भाव और जो महान नेता हमारी धरती पर हुए, उन्होंने हमें संदेश दिया। आज देश को इन लोगों ने आके उन्हीं देश के जो महान भाव है नेता, उन्हीं के अंदर इन्होंने उन्हीं के चरित्रों को आपस में डिवाइड कर दिया, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी का चरित्र हो और उसको महात्मा गांधी के साथ जोड़ के डिवाइड कर दिया, सरदार पटेल को उन्होंने नेहरू जी के साथ करके डिवाइड कर दिया। आज देश के अंदर चाहिए, देश की सभ्यता के अंदर हमारे देश के जो नए नौजवान हैं, नए बच्चे हैं, उनको उनके बारे में बताना चाहिए। लेकिन इनकी राजनीति उसी पृष्ठभूमि से चलती है जिस पृष्ठभूमि का ये सरोकार करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी होगी, इनके कार्यालय के अंदर जूता मारा जाएगा और इनके मुंह से कांग्रेस निकलेगा, क्योंकि इनकी रोटी तभी गर्म होगी जब ये आग के अंदर मिट्टी का तेल डालेंगे और भपका मारेंगे। वो भपका ही मारना इनका है, तो इनके लिए कोई प्रमाण नहीं है। इनका प्रमाण आने वाले इलेक्शंस के अंदर 23 तक का रिजल्ट बताएगा देश का, और देश की जनता बताएगी जिन्होंने इनको फिन मेजोरिटी के साथ देश में चुना, और आज वो इनको उठा के ऐसी जगह छोड़ने वाली है कि इनको आने समेत बहुत साल लग जाएंगे। अशोक शाह, निंदा करते हैं आप, आज जूता फेंका गया है जीवील नरसिम्हा राव पर। देखिए उन्होंने सबसे जूता फेंकने से पहले उनका मेल आईडी, शिक्षित लोग, डॉक्टर लोग हैं, और सारी सारी बायोडाटा उन्होंने डाल कर देखा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इन्होंने इसलिए फेंका कि 2014 में प्रचंड बहुमत दिए थे हमने, और हम इनको, इन जनताओं को लगा कि हमें इस तरह से हमें मक्खी की तरह निकालकर फेंकने देगा, इस तरह से इस उम्मीद के साथ उन्होंने जूता फेंका था। इनको चाहिए था मूल सुविधा, शिक्षा चाहिए था, इनको चाहिए था हॉस्पिटल चाहिए था, लेकिन ये सब तो इनको मिला नहीं। बुनियादी सवाल पर कुछ आया नहीं, बीजेपी काम किए नहीं, तो ये आक्रोश आम जनता का है। और ये जूता वाला कहानी जो है कह रहा कि विपक्षी पार्टी का है, कहीं से नहीं, वो अपना बायोडाटा सब कुछ अपना डाल रखा है उस पर। आप मेल पर बाद में कुछ भी दबाव डलवा कर उनसे उगलवा लीजिए, वो अलग की बात है, लेकिन ये ऐसा ये जुमलेबाजी
पांच साल का जो जुमला था वो जुमला खत्म हो गया, लग रहा है कि अब ये परिवर्तन बदलाव के अंदर कोई भी किसी का पार्टी किसी के कार्यालय के अंदर जाके इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा, जो भी होगा ये तो आम आदमी होगा या इनका खुद का आदमी होगा। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा जब पुलिस पूछताछ करेगी। रेनू कुछ कहना चाह रही है? मैं सिर्फ अपने सपा के भाई को ये कहना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं कि इस तरह के वो आक्रोश होगा तो क्या इस तरह से जूता फेंकना, आपने इनसे प्रश्न किया था क्या इस तरह से जूता फेंकना ठीक है, कितना भी किसी को आक्रोश हो, मुझे आजम खान जी से बहुत आक्रोश है, क्या मैं उनको जाके जूता मारूं? ये अलाउ करेंगे? ये अलाउ करेंगे जो किसी अलाउ करेंगे अलाउ अलाउ करेंगे महिला उनके ऊपर जूता पहनेंगे? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ उनके खिलाफ डिंपल यादव को उनके ऊपर जूता पहनना चाहिए। डिंपल यादव से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि उनके ऊपर जूता पहनिए, उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी बनती है वो बनती है। ये कहता है कि औरत का सम्मान होना बहन जी, चार लाख वोटों से बीके सिंह को जाए क्या? बहन जी चार लाख वोटों से बीके सिंह को जिताए थे, वही वही जनता बीके सिंह को वापस काले झंडे दिखाए, वही वही बीके सिंह को काले झंडे दिखाए, वही जनता ने इतना बता दीजिए वो हम और आप नहीं कर सकते। और आप जो उन्होंने अपशब्द कहे एक महिला के लिए, मैं एक महिला हूं मेरा दिल जलता है इस बात के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे, क्या उसको आप एक्सेप्ट कर? बहन जी सुशील मोदी जी ने, सुशील मोदी जी ने राहुल जी के लिए क्या क्या कहा था? जब आजम खान की बात कर रहे हैं तो भाजपा के लोगों से जवाब देते हैं, आजम खान का बताइए ना क्या कहा था उनके ऊपर इस तरह की शब्दों? हमारे प्रधानमंत्री जी ने विधवा क्या क्या नहीं कहा था? विधवा के खाते में क्या रहा हमारे प्रधानमंत्री जी? किसका चेहरा हमें ना सिखाई बहन जी, भाजपा के लोग सुशाचार ना सिखाए? माहौल किस तरह का बन गया है कि मिश्रा राजनीति में, क्या यह सुरक्षा का माहौल नहीं है? जूता किसी के ऊपर फेंका जा रहा है, आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा ये माहौल कैसा बन गया है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। आप देखिए मेरे सारे नेता मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और सम्मान के साथ बोलता हूँ, देखिए कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला तो उन्होंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, तो सही है जी। ये बीजेपी वाले कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस, मैं बोलता हूँ ये कैसा माहौल बना है पता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सारे नेता मिलके ये उन कौरवों की टीम की तरह हो गई है और 120 करोड़ जनता जो है द्रौपदी की तरह हो गई है, सब अपने अपने हिसाब से चीरहरण कर रहे हैं। अरे सर आप जीतिए हारिए, आप नेता हैं, आप ही मंत्री रहेंगे, कभी आप कभी आप, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों पे तो कभी आप लोग एक हो जाइए, सच का साथ दे दीजिए, अपने आदर्शों को अपने मानदंडों को रख दीजिए। अभी मैंने चैलेंज किया हमारी जो बहन बैठी है बीजेपी की, मैंने बोला आप बोल दीजिए कि आप मदन मोहन मालवीय की जो है उनके आदर्शों को नहीं मानती है ना, हाँ ना ना, हाँ जूता मारना जरूर गलत है, इनके पार्टी के मारे तो वो सही है जी, उसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं, FIR नहीं। आजम खान बोले किसी महिला का नाम न ले तो वो सही है जी, अरे कहां आप लोग ले जा रहे हो सर? अरे मैं बोलता हूं सर, लुटियन जोन के बंगले आपके हैं, मंत्री मिनिस्टर आप है, गाड़ी घोड़ा आपके पास है, देश के जितने रिसोर्स हैं पहले पेट भर लीजिए, सब पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन जो चीज छूट जाए जनता के लिए उसको तो ईमानदारी के लिए छोड़ दीजिए। 120 करोड़ जनता के लिए यहां पे आप अपने जोन में मस्त रहिए, जो आपका कंफर्ट जोन है ना उसमें लेविस लाइफ स्टाइल जी, आपके ऊपर कोई कानून नहीं कोई नियम नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जनता के लिए बच जाता है आप लोगों से उसको तो कम से कम वहां पे तो ईमानदार हो जाइए आप लोग। कौन नेता, मेरे सारे लोग यहां पे बैठे हैं, बोल दीजिए ना कि आजम खान ने जो बोला चूंकि उन्होंने महिला का नाम नहीं लिया इसलिए उस स्टेटमेंट का फेवर करता हूं। बीजेपी वाले बोल दें कि हां सांसद ने जो जूता मारा था विधायक को वो सही है लेकिन ये जूता मारना गलत। ऐसे ही कांग्रेस के मैं 2500 एग्जांपल दूंगा इनके नेताओं के, इस तरह की भाषा इन चुनावों में चल रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ये जूता किसी नेता या किसी आदमी पे नहीं है, 120 करोड़ जनता जो है ना कभी गरीबी का जूता खाती है किसी चौराहे पे, कभी अशिक्षा का जूता खाती है, कभी भरपेट भोजन मिलने का जूता खाती है इन नेताओं, और ये नेता क्या करते हैं, ये नेता उस पे भी जनता को यही करते हैं, इनको दिखाई देता है लेकिन उसका सलूशन नहीं है। साहब ये जूता मारने की आप इसको ये एक घटना मत देखिए, 120 करोड़ जनता को जरा देखिए कि हर दिन वो एक आदमी एक किसान खेत में कैसे जूते खाता है, जो सुसाइड करता है वो भी एक जूता मारना है, 70 साल के बाद भी आज ये कंडीशन है कि किसान सुसाइड कर रहा है, एक रिक्शे वाला पीढ़ी दर पीढ़ी रिक्शे वाला रह गया है, और एक मंत्री अगर एक बार कोई बन जाता है आप उठा के देख लीजिए 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति 10 साल 20 साल में बन जाती है, ये भी एक जूता है, और जूता केवल हमारे लोकतंत्र। ये तो आज जो हमला हुआ उसकी बात हो गई, बदजुबानी का जो दौर शुरू हुआ है उसकी बात हो गई, लेकिन रेणु भाटिया चूंकि आज
सेकंड फेज का इलेक्शन भी चल रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बुर्के का मुद्दा आपके सांसद ने उठा दिया है, ये क्या है मैडम? मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर? जो मुजफ्फरनगर पहले चरण से मुद्दा उठाया गया था संजीव वालियान की ओर से, आज वो अमरोहा भी आ पहुंचा है। देखिए, जो अमरोहा का आज का मुद्दा है, ये आप अभी सुबह से चैनल पे दिखा रहे हैं, वहाँ के सांसद ने, जो कैंडिडेट सांसद है, उन्होंने इस बात को रखा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो पुरुष था और महिला का बुर्का पहन के वोट कर रहा था और नकली उसके पास आईडी वगैरह थे। अभी और बातें बहुत क्लियर होनी है, तो उन्होंने पहली बात बार में ही होते हुए उस बात को स्टॉप करने की कोशिश की है कि यहाँ पर नकली वोटिंग का इस तरह से सिलसिला हो रहा है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए, कि उस बात को पकड़ा जाए, रोका जाए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, अगर कहीं पर फॉल्स वोटिंग कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, वो सामने आ जाएगी बात, वो सामने आ जाएगी बात। और अगर ऐसा हुआ होता, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं होती, कोई मीडिया में न्यूज आई होती, कहीं न्यूज नहीं आई, मीडिया में ही न्यूज आई है, ये मीडिया मीडिया में आपके वो आदमी ने जो हार रहा है अपनी हार से बचने के लिए, उन्होंने ऐसा वक्त हार जीत तो 23 तारीख को पता लग जाएगी, 23 तारीख को हार जीत पता लग जाएगी। बैठा था वहाँ पर हर मेरे बड़े भाई, 23 तारीख को हार जीत पता लग जाएगी कि आप 44 से 4 पे आ रहे हैं, 44 से 48 पे गए हैं, और उनको लग रहा है कि मेरे टेंशन हो रही है, टेंशन करने की हमें आवश्यकता नहीं, आप इस बात की चर्चा और टेंशन कीजिए कि हार जीत हो रही है, किसकी हो रही है। आपका गया, सेकंड भी गया, बाकी की कहानी क्या है? फेज में भी हम आगे हैं, सेकंड फेज में भी हम आगे हैं, और 23 तारीख को सारे फेज क्रॉस हो जाएंगे, उसमें आपको सामने दिख जाएगा। जिस गंगा मैया की अंजलि, जिस गंगा मैया की सफाई नहीं हुई, उसी गंगा मैया में प्रियंका गांधी डुबकी लगाने गई है, उस गंगा मैया की पूजा करने गई है। यदि गंगा मैली होती तो वहां ना जाती वो। आपने रोजगार देने के लिए बेरोजगारों को कहा था, वो रोजगार नहीं मिले, उसके लिए रोजगार आपसे सवाल पूछ रहा है। जो मुद्रा योजना के तहत लोगों को काम मिला है, उन्होंने लोन लिए और अपना व्यवसाय स्थापित किया है, वो और क्या है? बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 11 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं सुबह सवेरे से। जम्मू कश्मीर के कठुआ समेत कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में उत्साह देखा जा सकता है। सुबह सवेरे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से तमिलनाडु की अगर बात करें तो 38 सीटें, बिहार की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तर प्रदेश की 8, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में राज्यवार सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं, उनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट शामिल है। असम की अगर बात करें तो करीमगंज, सिलचर, मंगलाडोई, नौगांव में वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर भी लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां श्रीनगर और उधमपुर सीट पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर सीटों पर वोटिंग जारी है। तो इस चरण में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हेमा मालिनी, राज बब्बर, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और उनके 2 पोते अशोक चव्हाण जैसे दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर लगी है। आज दूसरे चरण के लिए वोट सुबह सवेरे से ही डाले जा रहे हैं। सेकेंड फेज 11 राज्य, एक केंद्र शासित राज्य, कुल 12 राज्यों की 95 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। इससे पहले पहले चरण की बात करें तो शुरुआत 11 अप्रैल से हुई थी, जब 91 सीटों पर वोट डाले गए थे, आज 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और अगर हम मिला दें, ये पूरा चुकी 543 सीटें हैं, 91 सीट प्लस 95 सीट कुल मिलाकर 186 सीटें, और ऐसे में 35% वोटिंग आज पूरी हो जाएगी 2 चरणों के साथ ही। खास मेहमान लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ए के मिश्रा, मैं आपका रुख करूंगी। आज पहले चरण की अगर हम बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, आज की वोटिंग ट्रेंड की अगर बात करें तो इसे किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, है क्या, वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है ना, तो ये किसी एक पार्टी को मैं दोष नहीं दूंगा, मैं 2 पार्ट में इसकी एनालिसिस करूंगा। एक तो अगर वोटिंग पहले चरण में और अभी वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं है जैसे 75-80, जबकि एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी अब की बार ज्यादा वोटिंग हो, यानी पूरी जनता सारी पार्टियों से नाखुश है, असंतुष्ट है, और हो भी क्यों ना,
इसका मतलब है कि पूरी जनता का एक मत वो लोग नहीं हो पा रहे हैं और किसी भी पार्टी के ऊपर अब विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये पार्टी सही है। इन पार्टियों ने इतना ज्यादा जनता का चीरहरण कर लिया भाई, केजरीवाल जी को यही, केजरीवाल जी भी तो यही बोल के आए थे कि हम ये हैं हम वो हैं, सारी पार्टियां वही आ रही हैं करके। तो कम परसेंटेज का होना, हारना जीतना खैर सरकार तो फिर भी बनेगी, वो एक स्ट्रेटजिक एनालिसिस में दूसरी दूंगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे अगर प्रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि जनता बाहर नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि भेड़िया आया आपकी बार जान गई है, सारी पार्टियां वही है, कोई 72,000 देगा, कोई 72 लाख देगा, कोई क्या देगा, उनको पता है होना कुछ नहीं है, जो कुछ होना है वो अपने हिसाब से ही करना है। इसलिए जनता का परसेप्शन जो है बड़ा निगेटिव है, इसलिए कम पोलिंग हो रही है। अदरवाइज 2014 के महारथी धुरंधर, जिनके एक कहने पे इतने वोटर्स आ जाते थे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपील करने में कोई कम नहीं छोड़ी। हमारे उभरते हुए भविष्य के प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी, उन्होंने भी बहुत कैंपेनिंग की, वोटर नहीं निकला, पैसे भी योजनाएं दे दी। बहन प्रियंका गांधी भी आ गई, अखिलेश यादव जी भी आ गए, एक से एक जुमले, एक से एक तीर चल गए, लेकिन निशाने पर कोई नहीं बैठ रहा है, और ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। पार्टियों में आप लोगों का, देश की जनता का विश्वास खत्म हो रहा है। अगर देश की जनता का 1% भी विश्वास बचा होता ना, तो ये पोलिंग परसेंटेज 72%, 75%, 80% के ऊपर जाता। चुनाव में पोलिंग परसेंटेज कम जाना बहुत ज्यादा निगेटिव होता है एक राष्ट्र के लिए, यानी कि चुनावी संस्थाओं में और पार्टियों में वोटरों का विश्वास ही नहीं रहा, ये इसका वो है। चूंकि आज 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, बात सबसे बड़े सूबे देश के उत्तर प्रदेश की हम करेंगे। जिन सीटों पर आज उत्तर प्रदेश की वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक यादवों का है, दलितों का है। अशोक शाह हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, गठबंधन तो आप लोगों ने कर लिया है, सपा बसपा एक साथ आ गए हैं, आप आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं अपने अच्छे खासे सभी सीटों को लेकर, लेकिन वोट ट्रांसफर कैसे करा पाएंगे? क्या जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो बीएसपी के प्रत्याशी को वोट देगा, जो बीएसपी का वोटर है वो सपा को वोट देगा? आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे दोनों पार्टी के जो वोटर्स हैं? देखिए रेणुका जी, आपको कहने की जरूरत नहीं होगा, पहले चरण का जब चुनाव हुआ था उसमें ही हम लोग ने भाप गए थे, और अच्छी तरह से हमने आश्वस्त है कि यूपी में इनको एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए कि हमारे पहले चरण के चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री जी, हमें लगा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री, तबा तो रैली, प्रधानमंत्री एक रैली कर रहे हैं, 30 रैली, माने देश का प्रधानमंत्री है, सबके लिए है, लेकिन वो तबा तो बैटिंग कर रहे थे, रैली पर रैली कर रहे थे, लेकिन उनको महसूस हो गया कि ये महागठबंधन हमें यहाँ से बिल्कुल उखाड़ फेंक रहे हैं, इसलिए इनको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई नहीं कहा था कि 56 इंच के सीना दिखा दो, एक सर के बदला 10 सर लाएंगे, ये सारे जनता भाप गए हैं। इनको ये नहीं कहा था कि दाऊद को हम 30 दिन में ला देंगे, कहां विपक्षी ने इसको टांग खींचा दाऊद को लाने के लिए, कहीं पर विपक्षी ने महागठबंधन ने पैर खींचा हो कि भाई क्यों नहीं ला रहे हो? इन्होंने कहा था कि मैं डाटा लाकर रख दूंगा सारे में कि इतने काले धन है कि आप लोगों 15-15 लाख रुपया, किसी जनता ने नहीं पूछा था, ये अपने आप ही उगले थे कि आपको 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने अभी लगातार बैटिंग कर रहे हैं, सभा पर सभा कर रहे हैं, लेकिन इनके अपील से आप देख रहे हैं चुनाव की हालत जो देख रहे हैं, परसेंटेज कहां जा रहा है, इनको जनता ने नकार दिया है, बिल्कुल बुरी तरह से नकार दिया है, और महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, इसके लिए स्वतंत्र है हम लोग, 23 तारीख को हमारा महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। चंद्रमोहन जी, आश्वस्त पूरी तरह से नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी कह रही है हम 73+ लाएंगे, 74+ लाएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है वो ये कह रहा है कि एक भी सीटें बीजेपी की नहीं आने वाली। आप लोग कहाँ हैं? क्या महज न्याय योजना के सहारे, क्या महज प्रियंका गांधी के सहारे नैया पार लगा पाएंगे आप अपनी? देखिए, गरीबी पे वार 72,000, न्याय बिल्कुल होगा, और आज का जो वोटर वोट कर रहा है वो गरीबी को दूर करने के लिए वोट कर रहा है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए वोट कर रहा है, देश का किसान वोट कर रहा है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी देश की बहू बहनें वोट कर रही हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और यूपी को जिन सीटों को जीतने का वादा या 2014 में भुलेखे से इस देश की जनता ने यूपी की झोली में डाल दी थी, आज उन सब सीटों को वापस ला के सही डिसीजन के ऊपर यूपी की जनता देने जा रही है। बिल्कुल 583 संसदों के इस मतदान के अंदर फुल मेजोरिटी से जीतने वाली बीजेपी आज हाशरे में खड़ी करने जा रहा है 2019 का इलेक्शन, और जो 2019 के इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2024 के काब देख रहे हैं वो 24 के आगे 0-0 लगाकर, पीछे में 0 लगा के लास्ट तक सोचते रहे, बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलता तब जब आपने उन विषयों को, जिन विषयों को देश की जनता के सामने रखा था उनको चितार्थ करके देश की जनता के सामने रखा होता।
लेकिन आज आपने रखा ही नहीं, और उस पर क्वेश्चन मार्क सबसे पहले किन्होंने उठाए, आपके परिवार के लोगों ने, आपके माननीय पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने आपके ऊपर, आपकी पूरी कथनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया कि जब देश के अंदर पार्टियां या विपक्ष राज करती है तो कोई भी पार्टी किसी तरह की राजद्रोही नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले देश होता है, उसके बाद पार्टी होती है, और उसके बाद आदमी खुद होता है। लेकिन आपके प्रवक्ता और आपके नेता, आप जो करें ठीक, दूसरा करे वो राष्ट्रहित से अगेंस्ट। तो आज देश की जनता उन सब विचारधाराओं को समझ गई, क्योंकि जिन विचारधाराओं को आपने अन्ना हजारे की पीठ के पीछे रख के निर्भया कांड का सहारा लेकर देश की सत्ता हासिल करी थी, आज मिला क्या? आपके एमएलओ ने ऐसा हाल कर दिया गांव देहात के बहू बहनों का, जिनका नाम लेते हुए हमें शर्म आती है। आज ऐसे ऐसे कांड आपने करे तो देश की जनता वैसे आपको वोट करने जा रही है। किस कांड की बात कर रहे हैं? बहुत सारे कांड है, बहुत चीज में बात की विषय नहीं है, लेकिन मेरा इशारा वो बीजेपी वाले समझ गए हैं कि मैं जिन विषयों की बात करना चाह रहा हूँ। रेणु भाटिया, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या ट्रंप कार्ड है बीजेपी के पास? कैसे बुआ बबुआ को, प्रियंका गांधी को मात दे पाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, बुआ बबुआ और प्रियंका और ये सारी टीम जो गठबंधन या महा ठगबंधन टीम जो भी बनी है, ये इनका एक ही मकसद है, मोदी को हटाना। ना इनको कोई राष्ट्र से लेना देना है, ना इनको कोई राष्ट्र के हित में लेना देना है, ना इनको किसी सैनिक से लेना देना है। ये केवल मोदी किस तरह से हटे ये सोचते हैं, लेकिन मोदी जी क्या सोचते हैं कि राष्ट्र हटे, देश से वो लोग हटे जो देश को बांटने की विचारधारा रखते हैं। भैया भैया, आपने कहा था सभ्यता से डिबेट करेंगे, अब मेरा आखिरी बार है। तो अभी मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे थे, करना बनता है, क्योंकि जब जो धरातल से खत्म होते जा रहे हैं, एटलीस्ट बोलने के लिए कुछ तो बोले। मैं उनका इस बात का बुरा नहीं मानती हूँ। बाकी मोदी जी का एक ही सपना है कि राष्ट्र किस तरह से बढ़े, और इन 5 वर्षों में उनकी उपलब्धि है कि आज दुनिया उनको मानती है। दुनिया ने 7 अवार्ड दिए हैं उन्हें, अलग अलग देशों से। एक मिनट भैया, फिर आपने सभ्यता की बात की थी और आप असभ्य ना बने। आपने सभ्यता की बात की थी, सभ्य ना बने भैया। फिर अंजलि, फिर बात वही हो गई ना, चिल्लाना मुझे भी आता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चिल्लाना मुझे भी आता है भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों पर चिल्लाने का कोई यूज नहीं है, कोई असर नहीं होगा राष्ट्र के हित में उसमें। तो मैं अभी भाई बात कर रहे थे गरीबी पे वार, 72,000 गरीबी आज भी इनकी भाषा में है, क्योंकि 4 पीढ़ियों तक गरीबी हटाई नहीं गई, आज भी ये गरीब को गरीब कहते हैं। एक दिन मोदी जी ने अपनी भाषण में एग्जाम्पल दिया था कि छोटे हुआ करते थे तो रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर देखी थी, हमने भी देखी थी। आज ये मकानों की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा 2024 तक सबको मकान मिलेगा। इन्होंने इस बात के लिए कभी चिंता नहीं की झोपड़पट्टी में गरीब कैसे बढ़े, कैसे रहता रहे, इनको वोट कैसे मिलता रहे उनके बदौलत, यही इन्होंने सोचा। भूल से ये 0-0 की बातें करते हैं कि हम 2024 0-0-0-0 तक बढ़ते रहेंगे। इनके राहुल गांधी जी का मैथमेटिक्स देखिए कि वो 72,000 की जो बात कर रहे थे वो किस नाते से 6,000 रुपए महीना देंगे, 12,000 रुपए महीना देंगे, उसका कोई आंकड़ा फिक्स नहीं हुआ। पढ़ाई की बात करते हैं ये कि हमारा देश हमने पिछाड़ दिया, आज पूरी पंचायतें पढ़ी लिखी हो, यही बात मोदी जी ने की। मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में सारी पंचायत पढ़ी लिखी है और आज बेटियां वहां पे चुनाव लड़ रही हैं पंचायतों में, और एजुकेशन को एक फिक्स मार्क दे दिया गया है। तो ये देश को, राष्ट्र को बढ़ाने की बात नहीं है तो और क्या है? मतलब ये 5 सालों में क्या एक्सपेक्ट करते थे हमसे, जो हम इन्होंने पिछाड़ा देश को, जो इन्होंने पिछाड़ा राष्ट्र को, उसको हमने आगे बढ़ाया। आज ट्रंप तक माननीय मोदी जी की बात को मानता है। अभी इस पुलवामा हमले को ही देख लीजिए, सारे राष्ट्र एक तरफ हो गए। कभी भी मुस्लिम देशों में हिंदुस्तान को जाने नहीं दिया जाता था। कांग्रेस के एक नेता गए थे एक सम्मेलन को अटेंड करने, वो बेरंग वापस आए। सुषमा स्वराज आज वहां पर चीफ गेस्ट थी। तो ये और किस तरह से देश को बढ़ाना चाहते, इसीलिए मैं कहती हूं 23 तारीख को पता चल जाएगा ये महागठबंधन या महाठगबंधन किस तरह से पिछड़ता है, और माननीय मोदी जी की सरकार पर ये देश विश्वास करता है। बहुत सारी बातें कह दी और मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। महागठबंधन, महाठगबंधन कौन सा, जो 40 साल आपके साथ पार्टी में रहे और 5 साल तक निरंतर आपको चोर और निरंतर नकारते रहे शिवसेना, और महाठगबंधन कौन, नीतीश कुमार, जिसने आपको डीएनए, जिसके साथ आपकी डीएनए की टेस्ट आ गई, पलटू राम, और पूरी बीजेपी पार्टी और बीजेपी के शीर्ष नेता पप्पू बन के उनकी गोद में जाके बैठ गए और समझौता कर दिया। समझौता भी कैसा, तो आपके बिहार के अंदर अपनी सीटों का, बिहार का सीटों के अंदर अपनी सीटें डाउन करके, जब आपके साथ अपनी सीटें डाउन करके करके, और दूसरा देश के अंदर महाठगबंधन,
जब सत्ता चाहिए थी कश्मीर के अंदर पीडीपी को अपने साथ जोड़ लिया, पीडीपी के छोड़ के मलाई खाई, ढाई साल तीन साल सत्ता चलाई, उसके बाद पीडीपी से गठबंधन करके फिर उस पर उंगली उठा दी। ऐसे ही वाजपेयी के टाइम पर अब्दुल्ला जी को साथ जोड़ा, पूरा शासन करा और आज अब्दुल्ला पे क्वेश्चन करा। अब बात बेसिकली आती है जो आपने बातें करी थी, जो आपने कहा हमने डेवलपमेंट करी है, आपको शायद याद नहीं होगा तो मैं बता दूं 164 योजनाएं आपने पांच साल में लागू करी है। 164 का अगर मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे, मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे आपको टारगेट करना है। और 164 का धरातल क्या है, जिस मुद्रा योन की आप बात करते हैं उस मुद्रा योन के अंदर 15 से लेके 25,000 लोन आपने बैंकों से बांटा जो इस देश के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, और उसका फ्रॉड आरबीआई आपसे पूछ रहा आप बताते नहीं हो। आपने देश के नौजवान को, जो मेरे देश का किसान, जो मेरे देश का आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसको बोला पान पकौड़ा और पेंसिल की दुकान खोल, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ये देश की वातावरण के अंदर आपने दिया। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तो आज तक सेटल नहीं कर पाए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बोले मैं चाय वाला हूं, जब पहले वक्तव्य में आए, दूसरे वक्तव्य में बोला मैं प्रधान सेवक हूं, तीसरे वक्तव्य में बोला मैं चौकीदार हूं, अभी चौथे वक्तव्य में बोलेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। लेकिन देश की जनता ने, देश नहीं, हमने नहीं दिया, इन्होंने खुद दिया। और देश की जनता ने प्राइम मिनिस्टर मांगा था इस देश से, वो नहीं मांगा था जो उसमें पाकिस्तान के अंदर जाके बिना बुलाए बिरयानी खा लाए और शॉल ले आए। और वही इमरान खान जो आज कहे कि अगर बीजेपी आती है और मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, फिर कोई भगवादारी और कोई बीजेपी वाला उस पर क्वेश्चन ना उठाए। और उसके बाद अगर देश का कोई मुसलमान क्वेश्चन करेंगे, एसके दत्ता है राज आपके पास, लौटूंगी चंद्रमोहन जी में हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। एसके दत्ता बहुत स्वागत है सर आपका सारा समय पर। दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, जो राजनीति का दौर चल रहा है, पहले इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी मैं। देखिए, जहां राजनीति की जहां बात आती है, चुनाव का समय है, चुनाव का पर्व है, तो नेचुरल है कि राजनीति तो होगी, और अगर राजनीति नहीं होती है तो वो अफसोसजनक है। राजनीति होनी चाहिए, राजनीति शालीनता के साथ हो, राजनीति पॉलिटिक्स चल रही है अभी, आ रहा हूं मैडम, राजनीति शालीनता से हो, राजनीति तथ्यों के आधार पे हो, राजनीति कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ हो, डेटास पे हो, समझ में आता है। पर राजनीति केवल तूतू मैमे के लिए हो और अश्लीलता पे हो, और अश्लीलता का भी कोई मापदंड ना हो और चरम सीमा लांग ले नेता लोग, तो वो बहुत अफसोसजनक है और वो नहीं होना चाहिए। वो देश के प्रजातंत्र के लिए और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि इस बार के भारत का जो चुनाव है वो केवल एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, या फिर संसद का चुनाव नहीं है, और प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है। ये भारत की दिशा और गति, 21वीं सदी में किस दिशा में जाएगी भारत, किस गति लेगी भारत, उसका भी एक निर्णय भूमिका ये चुनाव अदा करेगी, और निर्णय भूमिका इस चुनाव के माध्यम से होगा। ये चुनाव ये भी जरूर है कि हम लोग किस तरह के प्रतिनिधियों को भेजते हैं लोकसभा में और किस हिसाब से हम लोग अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। ये चुनाव इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सक्षम प्रधानमंत्री कौन हो, और सक्षम सरकार और मजबूत सरकार बने और स्थायी सरकार बने, ताकि किसी तरह का राजनीतिक अस्थिरता ना हो, क्योंकि भारत का जो आर्थिक विकास जिस गति में जा रहा है और जिस तरह से जा रहा है, और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो छवि बदला है, इस पे कोई दो राय नहीं है, और जिस हिसाब से भारत आज के डेट में एक उभरता हुआ लीडरशिप के हिसाब से उभर के आई है, उस दिशा और गति को सक्षम वे में रखने के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। एके मिश्रा, कई सीटों पर अगर हम गौर करें तो नाराजगी खुलकर हमने देखी अपने सांसदों के प्रति जनता जनार्दन की। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या ये, जब जनता जाएगी, जब लोग जाएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, तो ध्यान में क्या ये रहेगा उनके कि सांसद को चुनने के लिए हम वोट डाल रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना इसलिए वोट डाले जाएंगे? नहीं, देखिए, वोटर्स का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताऊं जरा, इसकी टेक्निकल और साइंटिफिक एनालिसिस की जाए, ये एक मल्टी लेयर जो है प्रोसीजर होता है। कैसे एक स्टिमुलस जाता है कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुनना है या वोट देना है, वो पूरा प्रोसेस होते होते मल्टी स्टेप का वो प्रोसीजर है। फिर फाइनली होता तो यहां तक भी है कि वोटर सोच के गया, लाइन में लगा कि हम इसको वोट देंगे, वोटिंग मशीन के सामने पहुंच के, कमरे में पहुंच के भी उसका दिमाग बदल जाता है। तो देखिए, है क्या, केवल एक फैक्टर काम नहीं करता है, हम किसको देंगे। डेफिनेटली जो वोटर दे रहे हैं वो मल्टी लेयर, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। यहां पे सबसे गौर करने वाली बात है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक काम बड़ा बढ़िया किया है जिसको मैं मानता हूं। इन्होंने कैसे भी करके, अच्छा या बुरा था,
बीजेपी मतलब मोदी जी मतलब बीजेपी, इन्होंने अपने आप को सिनोनिम्स बना दिया। आज के डेट में बीजेपी पीछे हो गई, मोदी जी आगे हो गए। एक इकलौता चेहरा बीजेपी और आरएसएस के लिए अगर कोई है तो मोदी जी है। कोई बीजेपी के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, जितने सांसद हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं है, हर आदमी एक ही चीज बोल के मांग रहा है कि मोदी जी को वोट दीजिए। जीते हारे हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छी चीज है, लेकिन ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। एक मामले में तो ये बहुत सही है, लेकिन दूसरे मामले में गलत है। गलत इसलिए है कि अगर 500 सांसद हैं, मान लीजिए 500 सीट पे खड़े हो रहे हैं बीजेपी वाले, हर सांसद की अपनी एक पॉलिटिकल और इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के अंदर ही दूसरे सारे लोगों का व्यक्तित्व खत्म हो जाए। भारत एक विविधता का देश है, और जब विविधता हर एंगल पे मेंटेन रहेगी, और रियल डेमोक्रेसी यही है, और ये चीज यहाँ पे हो रही है। बीजेपी के लिए अगर है तो डेफिनेटली जो लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी पीछे है, वो मोदी जी को देख करके वोट देंगे, चाहे उनका चाल हो, चरित्र हो, उनकी नीतियां हो, उनकी निष्ठा हो, उनका समर्पण हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी जंग है, उनकी मुहिम है। बीजेपी को लोग कम वोट दे रहे हैं। आज अगर मोदी जी हट जाए तब देखिए बीजेपी को कितना वोट देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आप 5 साल काम करते हो, 120 करोड़ की जनता है, 90 करोड़ वोटर है, कितना भी सक्षम नेता क्यों ना हो, हर तबके को आप खुश करके सेटिस्फाई करके नहीं रख सकते हो। तो पिछली बार जो इनको बेनिफिट मिला था, वो बेनिफिट मिला था 10 साल तक एंटी इनकम्बेंसी मोनोटोनस नेचर हो गया था पूरे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, तो बहुत कम मेहनत करने पे रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया था। अब की बार बीजेपी के लिए चुनौती यही है कि अपने स्टेटस को मेंटेन कैसे करके रखे। अपनी अब की बार ये दो तरफा लड़ रहे हैं, एक तो ये है विपक्षियों से, दूसरा एक लड़ाई ये और लड़ रहे हैं, वो लड़ाई ये है कि अपनी कमियों को, अपनी नॉन डिलीवरीज को, जिन चीजों को ये डिलीवर नहीं कर पाए, उसको मेकअप कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, विपक्ष के और जनता के सवालों का जवाब कैसे दे। इसीलिए मैं बोलता हूं, देखिए जो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना, कम वोटिंग परसेंटेज है। 2014 में क्यों हर जगह 70% 75% यूपी इलेक्शन में गया था, उसके पीछे रीजन था, वो ट्रायल बेसिस पे था, लोगों को एक उम्मीद जगी थी। अब कम क्यों हो गया, ये सब ऐसे फैक्टर है, इसलिए इंटरेस्ट कम हो गया। देखिए फाइनली देखता हूँ, हो सकता है 70% 75% मेंटेन हो जाए, तो ये एक बहुत हेल्दी साइन होगा। ठीक है, रेनू भाटिया, आप क्या समझती हैं, इस बार के जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस ऑल रहने वाले हैं? सब तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मुद्दा कोई नहीं है, बस यही है कि मोदी को हटाना है, और बिना किसी मुद्दे की यही बात कहते हुए सभी आगे आ रहे हैं। तो क्या यही समझती हैं आप कि मोदी वर्सेस ऑल ये चुनाव हो गया है? और इसी के साथ एक और सवाल जोड़ देती हूँ, मोदी लहर, ए के मिश्रा कह रहे थे कि ठीक है अभी कुछ हद तक बरकरार है, लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुए हैं वो 3 राज्यों में, जिस तरीके से जहां पर आपकी सत्ता थी वो छीन ली गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो अब क्या करेगी बीजेपी ऐसा कि जो हार है उसकी भी भरपाई इन लोकसभा चुनावों में कर पाए? देखिए अंजलि, चुनाव तो होते रहे हैं, वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन हार जीत भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने राष्ट्र को दांव पर लगाकर अगर हम कोई काम करते हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या उसकी सेना तैयार नहीं है। हम चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो इस देश की सेना। आप वर्ड को गलत ले रहे हैं, भारतीय जनता मत दीजिए मैम, आपको आप जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चलिए चलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चलिए शब्द अंजलि मुझे लगता है भली भांति ये समझते हैं, इन्होंने शब्द को गलत लिया। भारतीय जनता पार्टी की सेना का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि देश का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी चुप रही का प्रयोग मत करिए, भ्रम में डालने वाली सिचुएशन पैदा मत करिए। अगर आपके पास यदि आप भ्रम की बात करते हैं, यदि आप भ्रम लीजिए, अभी रेनू भाटिया क्या कह रही है, रेनू आप बोलिए, आप इल्यूजन क्रिएट मत करिए, सीधे सीधे बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता भारतीय क्या शर्म आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, देश का कोई सिपाही, कोई राष्ट्रहित का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसका राष्ट्र कहीं पर झुके। इसलिए माननीय मोदी जी का एक ही नारा है कि राष्ट्र को बचाना है, हमने राष्ट्र के हित की बात सोचनी है, ना कि किसी परिवार के हित की। अभी मेरे भाई जब बोल रहे थे, मैं सोच रही थी कि ये एक विशेषज्ञ है, इसलिए
टोटल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, पर परंतु बीच में इनकी पंक्तियां मुझे स्पेसिफिक कहीं और जाती हुई दिखी, उसके ऊपर मैं टिप्पणी जरूर करूंगी भाई, क्योंकि मुझे आपकी इस बात पर इत्तेफाक नहीं। कर दीजिए, आपने जो बोला कि बहुत से लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते, ये सारी बातें मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शायद कोई ना पसंद करे, अगर आप एक राहुल जी को हटा दें, आप कांग्रेस के ही एक नेता ने बात की थी, मुझे उनका नाम भूल रहा है, सॉरी, बहुत बुजुर्ग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये भी कहा था कि सोनिया गांधी जी को जब पता है कि उनका बेटा नहीं कर सकता तो जरूरी है उसको कांग्रेस में रखना। आज वो जरूरी अटेंटिव होके बैठा करिए कि मैंने क्या बोला है। मैंने सुना आपकी बात को, अर्थ का अनर्थ निकाल करके मुझसे बच के नहीं जा सकते। तो आप मुझसे कहा बच पा रहे हैं? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शब्दों का मिसकोटिंग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सेना अगर इन्होंने कहा है तो वो कोई आपत्तिजनक नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सिंपथाइजर और भारतीय जनता पार्टी के, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ? आपने जब बोला है मैंने बीच में नहीं, बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं है ये, नहीं है ये मैनिपुलेटिव। भारतीय जनता पार्टी के सेना का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिंपथाइजर, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपने कहा कि मोदी जी इक्वल टू भाजपा एंड भाजपा इक्वल टू मोदी जी। आप भूल गए क्या इंदिरा गांधी का वो दौरा याद कीजिए जब इंदिरा गांधी जी सरेआम कहते थे इंदिरा इज इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इक्वल टू इंदिरा। जब अंतर्राष्ट्रीय छवि का कोई नेतृत्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि का कोई नेता अगर होता है, ये अंडरस्टूड है कि इस तरह से होगा चीजें। इंदिरा जी का वो बात अगर जस्टिफाइड है तो मोदी जी के भी ये चीज जस्टिफाइड है। इंदिरा इज इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इक्वल टू इंदिरा, ये भी तो कहा गया था ना इस देश में, वो अगर जस्टिफाइड है तो ये भी चीज जस्टिफाइड है। और मुझे आपसे राजनीतिक गाइडलाइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। देश के तमाम प्रसिद्ध चैनलों में मैं बैठता हूँ और पिछले 20 साल से मैं आकलन कर रहा हूँ राजनीति का, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस चीज से किस हिसाब से बोला जाए और किस तरह से कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी का सेना का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिंपथाइजर और संगठन के लोग, ये चीज आप भी एक तरफा बोल रहे हैं, आप एक पार्टी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक पार्टी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, समझ में आ गया आपकी दिशा और आपकी मांग सोच और आपकी गति खुद तरफ है, मुझे समझ में आ गया है। दो मिनट में मुझे भी समझ में आ गया, आपके चिल्लाने से चीजें नहीं होती है और आपके चिल्लाने से नहीं होती है, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आप दोनों से उम्मीद करूंगी कि अपनी मर्यादा बनाए रखें आप लोग। इंटरप्ट नहीं किया था, जैसे ही मैं बोलना शुरू किया हूँ आप इंटरप्ट किए, आप भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, आप गलत वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, आप गलत वे में इंटरप्रेट किए हैं। यू ऑल्सो इम्प्रूव, आई डोंट नीड एनी गाइडलाइन फ्रॉम यू, डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई डोंट नीड एनी गाइडलाइन, नो आई डोंट नीड एनी गाइडलाइन फ्रॉम यू, आई डोंट नीड यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू आर क्लिशेड, यू आर मॉर्फेड एंड यू आर वन साइडेड। आग्रह करूंगी आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए इनकी। आप चंद्रमोहन जी आप अपनी बात रखिए। बेसिकली हम डिबेट में आते हैं, हमें पूरा देश सुनता है, पोस्टर लोग पढ़ते हैं, और कोई भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर कल्चर जुड़ता है वो कोई गलत नहीं है। तत्ता साहब आपने क्वेश्चन उठाए, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। आपने उनके ऊपर एक राजनीतिक विशेषज्ञ के ऊपर क्वेश्चन उठा दिए तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठना लाजमी है, बिल्कुल, और उसका जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा मैं उस चीज का जवाब, उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा। ये अगर कांग्रेस के फेवर में बोल सकते हैं तो मेरी बातें इनको चुभेगी जरूर, बिल्कुल चुभेगी।
केवल सेना का मतलब ही लोगों को पता है कि सेना का क्या मतलब है। इतना बुद्धिजीवी होते हुए यदि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब नहीं हेरफेर मत करिए। बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों दूसरे शब्दों का छद्म शब्दों का क्यों आपकी जबान सूख जाती है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बाद में मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। आपके चीखने चीखने से चिल्लाने से जाहिर नहीं हो सकता है। चीखने 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 से और चिल्लाने से जाहिर नहीं होता है। समझ गए आप? आपके चिल्लाने से चीजें जाहिर नहीं होती है। कि आप मर्यादा में रहिए। गुस्सा करना है तो टीवी के बाद करिएगा और जितनी तुम्हारे में शोर हो जिसी को एक दूसरे को दिखा दीजिएगा। और मैं आपकी बातों को अब जा रहा था। देखिए हमारे पास इस टीवी के अंदर दो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और किसी का भी किसी तरह की रोटी के साथ नमक खाने का अपना टेस्ट होता है। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई खट्टा खाता है, कोई मीठा खाता है। तो इस विषय के ऊपर कहीं भी अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। दत्ता साहब आपको भी, मिश्रा जी आपको भी। लेकिन जो आप तर्क दे रहे हैं, जब आपको उनके तर्क बुरे लग रहे हैं तो आपके तर्क भी विरोधाभास हैं, वो बुरे हैं जिन तर्कों का। हाँ, इंदिरा इज नेशन, इंदिरा इज, लेकिन इंदिरा सेना नहीं थी। अभी विषय एक मिनट मेरे बात बोल लीजिए ना, फिर चलिए चलिए। अब बात क्या हो रही है, विषय कहां से चढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सेना, कहीं भी कैटरोजिंग आप देख लीजिए, कहीं भी उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं शब्द आया भारतीय कार्य जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी। ये कर ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन में बैन है। आप अपने घोषणा पत्र में सेना वर्ड यूज कर ही नहीं सकते हो। एक मिनट, आप दोनों आप एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन सेना शब्द लगवा के कर ही नहीं सकते। देखिए हम लोग डिबेट कर रहे होते हैं, हमें उन सब बातों नहीं, मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूं, वही वही आ रहा हूं। हमें जोश में ऐसी कोई बातें नहीं कहनी चाहिए जो कल को हमें शर्मा जी एक लाइन मैंने कोई टेक्निकल गलती नहीं की, मैंने कोई टेक्निकल गलती नहीं की। आप इलेक्शन कमीशन में जाइए और सेना लगा हुआ शब्द आप अपनी पार्टी का नाम, मैं उसी बात पे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैंने कोई टेक्निकल गलती नहीं बोल रही हूं। आप टेक्निकल टू लो You I will not. I will not. I don't need any service from you. आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए मुझे। आपकी इंटरप्रिटेशन एक तरह की हो सकती है। आप भी कुकमंडूक बन के मत रहिए। आपकी इंटरप्रिटेशन एक तरह हो सकता है, मेरे इंटरप्रिटेशन अलग तरह का हो सकता है। आपको चुपकी है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेणु भाटिया, आप भारतीय जनता पार्टी की जगह अंजलि नाम रख लो, भारतीय जनता सेना से इतनी मोहब्बत है तो भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता सेना अपना नाम रख लीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिश्रा जी मेरे बड़े भाई इतने समझदार बुद्धिजीवी विशेषज्ञ इस तरह से भड़केंगे, जिस बात के लिए कोई गलती नहीं थी। मैं दोबारा एक मिनट, मैं अपनी बात को दोबारा से कह रही हूँ। मैं अंजलि, मैं अपनी बात को दोबारा से कह रही हूँ। मेरा जो तात्पर्य था मैंने दोबारा क्लियर किया और फिर से कहूंगी, मेरा तात्पर्य था भारतीय जनता पार्टी की सेना से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लीजिए। मैंने दोबारा कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मोदी जी की सेना, मोदी जी की सेना। और मुझे गर्व है कि मैं मोदी जी की सेना का एक हिस्सा हूँ, मुझे गर्व है। मैंने उस संदर्भ में कहा था जबरदस्ती आप किसी बात को घुमाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऊंची आवाज से ये भारतीय जनता पार्टी का सैनिक घबरा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और रहूंगी। मैं किसी बात से घबराऊंगी स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को। आप जो है ना विषय को गुमराह ना करिए, विषय को गुमराह ना करिए, किसी का सपोर्ट करने के लिए विषय को बैन लगा है। सेना का प्रयोग नहीं होगा, मुझे बताते हैं विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। मेरा सवाल इनसे है, बीजेपी से है, मुझे बड़ा ताज्जुब है। आयोग ने सेना इतिहास की बातें सिखा रहे थे, इतिहास की बातें मुझे, इतिहास की बातें सिखा रहे थे। और जब जब चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आपका आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? यू विल लैंड अप, यू विल लैंड अप।
आप बोलिए चंद्रमोहन जी, ने क्यों बैन किया इस चीज को? आप दोनों विशेषज्ञ मेरे को दो मिनट सुनने दीजिए, बात करने दीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है, कोई मात जाने दीजिए। देखिए रेणु जी, आपने भी फिर दोबारा वही बात करी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। अब मेरी बात को बोलने तो दीजिए ना आप, अभी मैं आपको स्पष्टीकरण देना सुनने दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, छोड़िए अब इस मुद्दे पर बात ही नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, विषय आएगा, अब मैं एसके दत्ता के पास आऊंगी, एसके दत्ता विषय बाकी सीटों की बात करेंगे। ये सेना जो होती है वो देश की होती है, और सेना शब्द का अगर इस्तेमाल हर कोई आदमी अपने साथ जोड़ लेगा तो सेना के शौर्य और सेना का अपमान होगा। इसलिए इस शब्द को हमारी भारतीय सेना के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए, जो देश के हर नागरिक का स्वाभिमान है। देखिए अब ये समझो, आप लोग जोड़ते हैं, अब बेसिकली अगर इतिहास गवाह है, बात तो करने दीजिए मैम मेरी, नहीं ये आगे ठीक है। एसके दत्ता, कई और अलग अलग सीटें, उन पर भी हम खुलकर बात करेंगे। मथुरा की एक हाई प्रोफाइल सीट है, उस पर हम बात करेंगे। हेमा मालिनी की एक तस्वीर आई थी एसके दत्ता, आप हाथों में वो लेकर पूरे हथियार नजर आई थी, खेत में गई थी, खलियान में गई थी, लोगों के बीच किसानों से उन्होंने बातचीत की, अपीलिंग क्या वो तस्वीर आपको नजर आई? अब आज जब मथुरा के जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे तो क्या हेमा मालिनी की उस तस्वीर को संज्ञान में रखेंगे, या फिर नाराजगी भी कुछ लोगों की वहां पर नजर आ रही है? वो तो डिपेंड करेगा कि हेमा मालिनी जी ने कितना काम किया है मथुरा पे, उस हिसाब से लोग वोट डालेंगे। जहां तस्वीर की बात आती है, इंदिरा जी का भी एक बिल्कुल ऐसा ही तस्वीर है, वो पूरा वीट का वो लेते हुए, तो तस्वीर पे मत जाइए। महत्वपूर्ण होता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आपने जमीन पे कितना काम किया है। तो जहां क्या ट्रैक रिकॉर्ड समझते हैं आप हेमा मालिनी का? नहीं तो वो तो 23 तारीख को पता चलेगा ना कि कौन किसके तरफ है। वो मैं उस पे अभी क्यों आकलन करूंगा? आप दूसरी, आप वो 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आएगी, किसको पता चल जाएगा, 23 तारीख को पता चलगा। शांति बनाए रखिए के मिश्रा, ये दोनों तरफ से आप बैठ जाइए, इसके बताए बैठ जाइए। प्लीज आप शांति बनाए रखिए सर, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैं सभी यहाँ पर जो गेस्ट बने हुए उनसे अपील करूंगी कि अपनी मर्यादा आप लोग बनाए रखिए, चिल्लाकर अपनी बात रखने से आपकी बात सच्ची या सिद्ध नहीं हो जाएगी। मौका सबको मिल रहा है, मैं एक एक करके नाम लेकर सबके पास आ रही हूँ, तो जिसका नाम जब लिया जा रहा है आप लोग तभी अपनी बात रखिए। रेणु भाटिया, आप बोलिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि हमें अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया, इसलिए वो डिबेट, उस वो सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट वहीं खत्म हो जाता है, जो कि नहीं किया गया। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर बात करना, मुझे नहीं लगता कि ये जो विशेषज्ञ बैठते हैं उनको इस तरह से करना चाहिए। बाकी हेमा मालिनी के ऊपर दत्ता जी बात कर रहे थे, उसके लिए 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये बड़ी नॉर्मल बात है और उन्होंने कही, ये मुझे लगता है चैनल को भी मानना पड़ेगा। उस पर अगर रिएक्शन इस तरह का होता है विशेषज्ञ का, तो दैट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट। बिल्कुल, नतीजे 23 तारीख को सभी के सामने होंगे। और आज दूसरे चरण के लिए बता दें आपको, 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कौन कौन सी वो सीटें अलग अलग, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे सामने आ रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं। जो एग्जैक्ट फिगर है, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो दांव पर लगी है। और जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तस्वीरें जो आ रही है सुबह सवेरे से सामने, ये फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 17वीं लोकसभा के लिए मतदान चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। सेकंड फेज के लिए वोट आज डाले जा रहे हैं, कई अलग अलग राज्यों की कई महत्वपूर्ण सीटों पर ये वोट, मुद्दे अलग अलग सभी राज्यों के हैं, और ध्यान में उन्हीं मुद्दों को रखते हुए सभी वोटर्स की ओर से अपने मताधिकार का
इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कई अलग अलग जगहों से वोटिंग परसेंटेज आए सामने। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात करें तो 48.5% मतदान यहां पर हुआ। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां पर करीब 50% मतदान दोपहर 3 बजे तक देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो करीब 60% मतदान छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक दर्ज किया गया है। कई जगहों पर 4 बजे तक, कई जगहों पर इलाकों में 5, तो कई जगहों पर 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देर शाम की जाएगी चुनाव आयोग की ओर से, तभी जो एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज है वो सामने निकल कर आएगा। हिंसा की भी खबरें, तस्वीरें कुछ आई थी सामने पश्चिम बंगाल से, हालांकि अभी बाद में स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से कई जगहों पर मतदान का जो दौर है वो सुबह सवेरे से चल रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।